नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने नंबर सिस्टम है उसकी जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उसका एक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, इस क्वेश्चन को हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और एकदम आराम से करेंगे, इतना आराम से कि आपके पूरा का पूरा हिट करे समझ में। तो देखिए बोल क्या रहा है, 17 की पावर 200। तो भाई हमने लिख दिया 17 की पावर 200, आ गई बात समझ में, ठीक। अब देखिए, मैं 18 से भाग करने पर शेषफल, यानी कि इसमें हम किसका भाग देंगे, 18 का, तो शेषफल क्या आएगा। अब एक मिनट के लिए आप आराम से सोच लीजिए, ठीक है, कि भाई 17 को मैं, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें ऐसा ही होता है। देखो आप आराम से देखना, ऊपर और नीचे वाली संख्या में कितने का अंतर होता है, एक का, ये तो है इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक का अंतर है तो आप आराम से देखिए, ये 18 है, 18 से 17 क्या है, एक कम है, एक कम है, तो यहाँ एक कम है तो आप माइनस एक लिख लो, और यदि यहाँ पे 19 होता तो हम प्लस एक लिखते, तो माइनस एक और इसके ऊपर ये जो पावर है ना, ये कि यही चढ़ा दो आप 200, और बट्टे में एक बार फिर से आप 18 ही पुट करोगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ से, अब माइनस एक की पावर 200 यानी कि 200। अब माइनस एक को तो, एक को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो आप, एक ही आएगा, बट यहाँ पे देखिए माइनस एक की पावर क्या सम, तो यहाँ पे माइनस एक नए आ करके क्या आएगा, एक, और बट्टे में कितना है, 18। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए कि जब आप छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे रहे हो तो जो आपका शेष फल है ना, वो जो ऊपर बचा हुआ वही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका जो रिमाइंडर है शेष फल है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बात तो समझ में आ चुकी होगी, लगते हाथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा ही सीख लीजिए। जैसे कि मैंने बोल दिया 5/9, और यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें शेष फल कितना होगा, तो इसमें शेष फल ये 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे मैंने कर दिया 17/500, और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई शेष फल कितना होगा, तो यहाँ से शेष फल देखिए, ये जो आपका भाग देने वाली संख्या ना ये बड़ी है, ठीक है ना, तो जो ये 17 है वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि भाग जब नया जाए और आपसे क्षेत्र शेष फल पूछे ना, तो आपका राइट आंसर भज्य ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।